नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी, कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ, है ना। कुछ सुनहरी बातें होती हैं, सुनहरी खबरें होती हैं, ऐसी एक सुनहरी गोल्डन न्यूज के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। बीएड पास अभ्यर्थी जो कि प्रदेश में बहुत ज्यादा है, उनके लिए एक स्वर्णिम खबर आज का पेपर लेके आया है। लोक सेवा आयोग द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी 2019-20 के लिए जो है वैकेंसीज की घोषणा की जा चुकी है। 13 से 14 वर्ष बाद आपके लिए एक स्वर्णिम वैकेंसी आई है। वैसे तो पद 319 है, लेकिन ये पद निश्चित रूप से मान लीजिए आप बनेंगे। एक कॉमन सिलेबस जो कमीशन का हमेशा होता है, आपकी परीक्षाओं के जो सिलेबस है, जो शिक्षा विभाग की परीक्षाओं के सिलेबस से थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग इसकी परीक्षा को ले चल रहा है ना। कॉमन विषय के साथ परीक्षा होगी। पाठ्यक्रम पर चर्चा भी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि संभावित चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन सूचना आपको दे दूं कि आज से आपके आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आप 13 तारीख से लेकर 13 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। तो आप पहले 20-22 तारीख को जो आपकी परीक्षा है, 22 दिसंबर को, पहले आप उस परीक्षा को अच्छे से दें। जो टेट के अभ्यर्थी हैं, जो सभी बीएड पास अभ्यर्थी हैं, उस परीक्षा के लिए कल भी मैंने वीडियो डाला था, हम लोगों ने आपको फ्री टेस्ट सीरीज दी थी, और आप फॉर्म भर दें। 23 तारीख के बाद आप सब कुछ भूलकर इस नव वर्ष में इस नए रोजगार को, प्रतिष्ठित रोजगार को प्राप्त करने की कवायद में जुट जाएं, क्योंकि 3 से 4 महीने का समय लगभग आपको मिलेगा। और अगर आयोग आपकी परीक्षा ले रहा है तो लगभग 90 से 100 दिन आपको तैयारी के लिए चाहिए, क्योंकि आयोग के पेपर थोड़े से स्टैंडर्ड होते हैं। पेपर पाठ्यक्रम पर पूरी परिचर्चा हम लोग करेंगे। आइए पहले इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं, इस सूचना के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग सामने देख रहे हैं कि जो पद का नाम है वो है खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2019-20। इस पद के लिए जो आवेदन है, वो आवेदन जो है आपके इस प्रकार स्वीकार किए जा रहे हैं। 21 से 40 जो है आपकी आयु है, 21 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के जो है छात्र छात्राएं इसको भर सकते हैं। आप सभी लोग इसको भर सकते हैं। 13/12/2019 से आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापन रहेगा, क्लियर। शैक्षिक अर्हता, नृत्यों का विवरण, आयु सीमा और ऑनलाइन आवेदन की तिथि 13/12/2019 से प्रारंभ हो रही है, और जो अंतिम तिथि है वो 10/1/2020 है। इसका मतलब 10 जनवरी आपकी जो है अंतिम तिथि है। इसके पहले आपको चीजें पूरी क्या करनी है, स्पष्ट करनी है। बीएड पास अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है। 13 वर्ष बाद आपके लिए कोई इस स्तर की बड़ी वैकेंसी आई है जो आपको लाभान्वित कर सकती है, और 2020 में आप एक सुनहरे पद पर पहुंच सकते हैं। तो कमर कस लीजिए, पहले टेट दीजिए अच्छे से, जो लोग टेट दे रहे हैं, और टेट देने के बाद आप तुरंत इस वैकेंसी पर क्या है, बढ़ जाइए। आज के सारे समाचार पत्रों में देखिए आपको दिया गया है विवरण कि 309 पदों पर यह वैकेंसी आपकी यहां पर आई है लोक सेवा आयोग द्वारा। तो आपके साथ साथ संस्थान भी पूरी तरह से तैयार है। जो भी लोग संस्थान से जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, मैं आज ही स्पष्ट कर दूं कि संस्थान द्वारा इस परीक्षा के लिए जो रिसर्च है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक है, उसके लिए जो कार्यक्रम है, उसकी रूपरेखा आज से ही तय होनी शुरू हो गई है। जनवरी के पहले सप्ताह से संस्थान द्वारा इससे संबंधित सारी जानकारियों के साथ जो है हम लोग इसके बैच को लाएंगे, निश्चित रूप से लाएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीचे जो नंबर चल रहे हैं, बाकी जानकारियां आप उस नंबर से ले सकते हैं। पहले हम लोग सभी लोग 22 तारीख की तैयारी में जुटे हुए हैं। कल हम लोगों ने टेस्ट सीरीज टेट के लिए आपको फ्री की हुई है। 12 टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज है वो आप सभी लोगों के लिए निःशुल्क है। कल के वीडियो में जाके आप कैसे टेस्ट सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं उसको देख सकते हैं। 22 तारीख तक आप टेट पर फोकस रहिए, जो भी बीएड डिग्री धारक हैं। 23 तारीख के बाद आप इसके फॉर्म को और बेसिक फॉर्मेलिटीज को पूरा करिए, जब तक पूरा पाठ्यक्रम आ जाता है। हम लोग आज से ही आपके लिए रिसर्च शुरू कर देते हैं। विश्वासपरक, गुणवत्तापूर्ण रिसर्च शिक्षक, हम सब इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जनवरी के प्रथम सप्ताह से हम लोग निश्चित रूप से इसकी तैयारी को लाइव क्लासेस के माध्यम से शुरू कर देंगे। आपको कहीं भी जाने की, कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनंत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, इसके फॉर्म भरिए, इस वैकेंसी के लिए अनंत शुभकामनाएं। और जो टेट की परीक्षा में आप समय दे रहे हैं, हमारा पूरा संस्थान ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि टेट में जितने भी 10-11 हजार लोग हम लोगों से जुड़े हुए थे, आप लोग सफल रहे। हम विश्वासपरक तरीके से आपको पढ़ाते हैं, आपके साथ नॉलेज शेयर करते हैं, क्लासेस शेयर करते हैं। इसका प्रमाण है कि कल जब हम लोगों ने टेट का बैच खत्म किया, तो टेट बैच खत्म करने के नीचे जो दोनों बैच हमारे टेट के खत्म हुए थे, उसकी जब हमने सूचना प्रेषित की, तो
तो जो छात्र छात्राएं हमारे टेट बैच के सदस्य थे उन्होंने नीचे जो फीडबैक दिए हैं, आप उस फीडबैक से हमारी मेहनत का जायजा ले सकते हैं, हमारी मेहनत को आंक सकते हैं। इन्हीं अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप लोग अच्छे से फॉर्म को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पहले टेट की तैयारी में जुट जाइए और 22-23 तारीख से आप इसके फॉर्म को भरकर जनवरी के पहले सप्ताह से पूरी जिम्मेदारी से, हम लोग इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, संस्थान टारगेट बेतालों ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी लेता है, आप लोग जुड़िए। और बाकी किसी भी बात को लेकर अगर कोई डाउट हो, आप कोई भी हम लोगों से बात करना चाहे तो नीचे जो स्क्रॉलिंग में जो संस्थान के नंबर है, आप किसी भी संदेह के लिए, किसी भी जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर अपने फॉर्म कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।